Today I am teaching you English. Now I am going to take up chapter 2, our toys. Okay? तो आज हम chapter 2 पढ़ेंगे. Start करते हैं. Chapter 2 का name क्या है? Our toys. Okay? तो introduction पढ़ते हैं. Firstly, in this lesson you will read about the toys children play with. Okay? तो इस lesson में हम क्या पढ़ेंगे? Children जिन toys से खेलते हैं उन toys के बारे में पढ़ेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है? टी एच आई एस दिस, आई एस इज, एम वाई माय, सी ए आर कार. दिस इज माय कार, इट गोज भूश भूश. ये क्या कह रहा है? ये मेरी कार है और ये कैसे चलती है? भूश भूश करके. तो दिस इज माय कार, इट गोज भूश भूश. ओके लिखा है दिस इज नीलूज बॉल. ये क्या है? ये नीलू की बॉल है. इट इज अ बिग बॉल. ये बिग बॉल है. नीलू कैन बाउंस द बॉल. नीलू बॉल को क्या कर रही है? बाउंस कर रही है, उछाल रही है. ओके तो इधर क्या लिखा था? दिस इज माई कार, इट गोज भूश भूश. इधर क्या लिखा है? दिस इज नीलूज बॉल, इट इज अ बिग बॉल, नीलू कैन बाउंस द बॉल. ओके आगे बढ़ते हैं. इधर क्या लिखा है? दिस इज चिंटूज डॉल. ये चिंटू है, ये इसकी डॉल है. तो क्या बताया? दिस इज चिंटूज डॉल, चीनूज कॉल हर डॉली. जो चीनू है वो उसे क्या बोलती है? डॉली. डॉली कैन सिंग. डॉली क्या करती है? सिंग करती है. तो क्या लिखा है? दिस इज चीनूज डॉल, चीनूज कॉल हर डॉली, डॉली कैन सिंग. ओके तो यहाँ क्या लिखा था? दिस इज चीनूज डॉल, चीनूज कॉल हर डॉली, डॉली कैन सिंग. ओके अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं. क्या लिखा है? आई एम प्लेइंग विथ माई कार, नीलू इज प्लेइंग विथ हर बॉल, चीनू इज प्लेइंग विथ हर डॉल, वी आर प्लेइंग टुगेदर. तो ये किससे खेला था? कार से. ये बॉल से, चीनू डॉल से. तो ये सब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. तो जो नीलू है वो बॉल से खेल रही है. ये है, ये कार से खेल रहा है. चीनू डॉल से खेल रही है. और ये सब आपस में मिलके खेल रहे हैं. ओके तो क्या लिखा है? आई एम प्लेइंग विथ माई कार, नीलू इज प्लेइंग विथ हर बॉल, चीनू इज प्लेइंग विथ हर डॉल, वी आर प्लेइंग टुगेदर. ओके आगे है. डैड एंड मॉम आर सिटिंग ऑन द सोफा. सिटिंग मीन्स बैठना. तो जो डैड है और मॉम है कहाँ बैठे हैं? सोफे पे बैठे हैं. डैड इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. डैड क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर. मॉम इज नाइटिंग माई स्वेटर. जो मॉम है वो क्या कर रही है? स्वेटर बुन रही है. तो क्या लिखा है? डैड एंड मॉम आर सिटिंग ऑन द सोफा, डैड इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मॉम इज नाइटिंग माई स्वेटर. ओके तो आगे दिया है. नाउ मॉम इज गिविंग टॉफीज टू द चिल्ड्रन. अब मॉम क्या कर रही है? टॉफी दे रही है चिल्ड्रन को. तो मी थैंक यू मॉम. यदि आपको मॉम कुछ देती है या कोई कुछ देता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं ना. हाँ तो मी थैंक यू मॉम. चीनू ने बोला थैंक यू आंटी. तो मॉम क्या बोलेंगी? यू आर वेलकम चिल्ड्रन. ओके ओके तो चैप्टर हमारा हो गया है. हमने टॉयज के बारे में पढ़ा. ओके अब हम पढ़ेंगे वर्ड बास्केट. तो इस चैप्टर में जो वर्ड आए थे उनकी मीनिंग यहाँ दी है. ओके तो भूश भूश का मतलब क्या होता है? साउंड ऑफ अ टॉय कार. जो टॉय कार होती है उसका साउंड होता है. ओके बाउंस का मीन्स क्या होता है? एन अप एंड डाउन मूवमेंट. जो आप उछालना होता है ना बॉल को, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? बाउंस. ओके डैड, डैड मीन्स होता है फादर. मॉम, मॉम मीन्स होता है मदर. स्वेटर, अ वूलन क्लॉथ टू वियर इन विंटर सीजन. वो वूलन क्लॉथ जो हम विंटर सीजन में पहनते हैं. ओके टॉफी स्वीट्स, टॉफी स्वीट्स. ओके तो चैप्टर हमारा हो गया है. आपको मैंने समझा दिया है. आप अच्छे से दोबारा रीड करेंगे.